और क्या पता बोरूटो इसी बीच मोमोशिके से अपनी भाई भाई वाली बात कर ले और कारमा को अपने कंट्रोल में कर ले। Ladies and gentlemen, we got him. Welcome back everyone in this video. एक सेकंड, मैं यूनी की तरह बात कर रहा हूँ। तो आर्शिनोबीस कैसे हो? और आज वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं बोरूटो चैप्टर 67 को। और हमेशा की तरह इस चैप्टर ने आग लगा दी। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि भाई इस चैप्टर से मुझे इतनी कोई हाई होप्स नहीं है, और लीक्स को देखने के बाद भी ये लग रहा था, बट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद और वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मेरे सेकंड चैनल पे कुछ डिफरेंट ट्राई करूंगा अपलोड करने का। सो अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। इस चैप्टर कवर पेज में हमें देखने मिलती है एडा, जो कि दिखने में कमाल है, मेरा मतलब कमाल है। चैप्टर के फर्स्ट पेज पे हमें देखने मिलता है कि बोरूटो बेजान पड़ा हुआ है और नरूटो बरूटो की बेजान बॉडी के पास भागता हुआ जाता है। नरूटो को बिलीव नहीं होता कि ये बरूटो का क्या हो गया है, और बरूटो की बॉडी देखने के बाद नरूटो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि कोड आइडा से कहता है कि ये तो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा तो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। और आइडा कोड से कहती है कि बोरूटो तुम्हारे लिए एक प्रीशियस सैक्रिफाइस है डिवाइन ट्री के लिए, अब तुम क्या करोगे? और कोड कहता है, अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। किसने सोचा था कि कवाकी को उस कार में वापस मिल जाएगा और वो बरूटो को मार देगा। और आइडा कोर्ट से कहती है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारे प्लान में इंटरफेयर करने का, बट कवाकी को सेक्रीफाइस बनाने का सोचना भी मत। और कोर्ट कुछ देर सोचता और कहता है कि जो कुछ भी तुमने कहा है मैं उसका रिस्पॉन्स तुम्हें अभी नहीं दे सकता, मैं वापस आ रहा हूँ तब हम मिलकर बात करेंगे। और कोर्ट अपने क्लोमा आर्क्स में बिछा देता है और अपनी जाने की तैयारी करता है। और कवाकी ये देख लेता है और कोड कवाकी से कहता है कि तुमने मेरे प्रीशियस सैक्रिफाइस को मार के इस बार हद पार कर दिया कवाकी। और कोड कहता है कि मुझे भी एक अर्जेंट काम है इसलिए मैं रिट्रीट कर रहा हूँ, पर मैं याद रखूंगा जो कुछ भी तुमने किया है। पावर मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, तुम अब भी अपनी लाइफ में फ्री नहीं हो पाओगे, कोई ना कोई तुम्हें लीड करने वाला होगा ही, ये तुम्हारा फेथ है और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। और कोड शिकमारू को लात मार के दूर फेंक देता है। कोड वहां से जाने लगता है और वो कवाकी से कहता है हम फिर मिलेंगे, बट कवाकी के कुछ और ही प्लान्स थे तो वो अपने दो जुत्सु के यूज से उन बैंड्स को श्रिंक कर देता है। और कोड नीचे गिर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, और कोड नोटिस करता है और कहता है इसने सिकोना हिकोना का यूज करके मेरे बैंड्स को श्रिंक कर दिया है और इतना छोटा कर दिया है कि मैं उन्हें यूज ही ना कर पाऊं। और कवाकी कोड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और कोड ये देखने के बाद फिर से अपने क्लोमार्क्स के यूज से यहाँ से भागने का ट्राई करता है, बट कवाकी उन्हें फिर से श्रिंक कर देता है। और कवाकी बड़ी ही बैडेस वे में कोड से कहता है देखकर लगता है कि तुम अभी तक समझे नहीं हो कि तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम दूसरों के फेथ के बारे में बात कर सको कोड। और अब कवाकी वन ऑफ दी बेस्ट लाइन बोलता है इस चैप्टर की, मैं उन सभी को एलिमिनेट कर दूंगा जो भी सेवंथ होकागे के लिए थ्रेट होंगे भले ही वो मेरा भाई क्यों ना हो, तो तुम्हें कैसा लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और कवाकी कोड पे अपने दोजुत्सु से अटैक कर देता है जिस अटैक से कोड अपने आप को बचा लेता है। और कोड जोश जोश में आके कवाकी पे अटैक कर देता है ये कहते हुए, बट कवाकी इस अटैक को बड़ी आसानी से रोक देता है और कोड को एक बहुत जोरदार घूसा मार के नीचे गिरा देता है। उसके बाद कोड को इतना मारा मतलब मार सकती। और हम देखते हैं कि शिकमारू नरूटो के पास जाता है उसे मेंटली सपोर्ट करने के लिए, और नरूटो अभी भी शॉक्ड है और उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बैकग्राउंड में कोड और कवाकी की फाइट अभी भी चल रही होती है और कवाकी कोड को ओवरपावर कर रहा होता है। और शिकमारू नरूटो पे चिल्लाता है और कहता है नरूटो होश में आओ, तुम एक होकागे हो याद है ना, और बरूटो ने जो कुछ भी किया है वो उसकी चॉइस थी ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। और हम देखते हैं कि कवाकी ने कोड की बहुत ज्यादा ही हालत खराब कर दी है मार मार के, और कोड कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा वो भी कवाकी से। और कवाकी अपना हाथ उठाता है और उसके अंदर एक अटैक चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। और कवाकी कोड से कहता है कि जिस बंदे की तुम बात कर रहे थे जो मुझसे मिलना चाहता है मुझे उसके इंटेंशन तो नहीं पता है, पर अगर वो लॉर्ड सेवन के अगेंस्ट है तो मैं उस पर भी कोई रहम नहीं करूंगा। और कोड अपने सर पे लगे क्लोमाक के अंदर अपना हाथ डाल देता है और हम देखते हैं कि कवाकी अपना अटैक शूट कर देता है, और हमें पता चलता है कि इस अटैक से कवाकी को ही डैमेज हो गया है। ये देखने के बाद शिकमारू नरूटो और मैं और शायद तुम भी बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो गए होगे, और हमें पता चलता है कि कोड को कुछ भी नहीं हुआ है और कोड ने डायमोन को आइडा की गोद में से निकाल के बैटलफील्ड पे बुला लिया है ताकि वो उसके अटैक डिफ्लेक्ट करने वाली एबिलिटी को यूज करके कवाकी के अटैक को डिफ्लेक्ट कर सके। और शिकमारू डायमोन को देख के कंप्लीटली शॉक हो जाता है, और जैसे ही कोड का काम हो जाता है वैसे ही वो डायमोन को फिर से आइडा के पास भेज देता है। और इसके बाद आइडा कोर्ट से कहती है कि अगर कवाकी को कुछ भी हुआ तो वो इस चीज़ को रिग्रेट करेगा। और ये सुनने के बाद कोर्ट लिटरली अपने क्लोमा के यूज से कवाकी की नर्व चेक करता है और ये कंफर्म करता है कि कवाकी को कुछ भी नहीं हुआ है। कोर्ट कवाकी को देख के कहता है कि मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट इस बार तुम मुझसे जीत गए।
और कोड कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने लिमिटर्स हटवाने पड़ेंगे और अमाडो तुम मेरी पावर को फिर से रिस्टोर करने वाले हो। और इसके बाद कोड वहां से चला जाता है अपने क्लोमार्क्स के यूज से। और इसके बाद 2-3 पेजों तक शिकमारू और नारुतो की बातें चलती रहती हैं, जिसका शॉर्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि शिकमारू नारुतो से कहता है कि कावाकी ने बोरुतो को मार दिया है तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए और हमें सिचुएशन के बारे में विलेज और बाकी सारे कागज को भी बताना पड़ेगा। और नारुतो बोलता है कि बोरुतो कावाकी को भाई बोलता था तो इसका मतलब वो हमारी एक फैमिली का हिस्सा है और इस वक्त अगर कावाकी का साथ उसकी फैमिली नहीं देगी तो कौन देगा। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से बोरुतो जिंदा हो गया है और ये देखने के बाद नारुतो शिकमारू दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं और नारुतो इमोशनल हो जाता है। और शिकमारू ये देख के हैरान रह जाता है कि बोरुतो की बॉडी में कुछ देर पहले एक होल था बट अब वो नहीं है। बोरुतो भी यही देखता है कि वो कुछ देर पहले तक तो मर गया था बट वो अब जिंदा हो चुका है। और हम देखते हैं कि वहाँ टाइम रुक चुका है और वहाँ पर मोमोशी किया गया है। और बोरुतो मोमोशी को देख के कहता है कि ये सब चल क्या रहा है और मोमोशी कहता है कि तुम मेरे एक अकेले वेसल हो और मैं तुम्हारा मरना अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो भी अपने फायदे के लिए। और बोरुतो मोमोशी से कहता है कि जो मेरी छाती में होल था वो हील हो चुका है, तुमने क्या किया है। और मोमोशी बोरुतो से कहता है कि तुम्हारे हार्ट का आधा पार्ट और तुम्हारे लंग्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे और एक लार्ज अमाउंट में तुम्हारा ब्लड भी लॉस्ट हो गया था और अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम पक्का मर ही जाते। और मोमोशी बताता है बोरुतो को कि उसने अपने कार्मा के यूज से उसे फिर से रिजरेक्ट कर दिया है। जैसे कि हम सबको पता है कि बोरुतो का जो कार्मा है वो मोमोशी का डीएनए कंटेन करता है कंप्रेस्ड फॉर्म में और बोरुतो की बॉडी के अंदर वो 82% एक्सट्रैक्ट भी हो गया था और वो बचा हुआ 18% अगर एक्सट्रैक्ट हो जाता तो मोमोशी का रिजरेक्शन पॉसिबल था। बट अगर मोमोशिकी का वैसल ही जिंदा नहीं रहा तो उसका रिजरेक्शन कैसे होगा। तो मोमोशिकी ने बचे हुए 18% डाटा को रीराइट कर दिया बोरुतो के डीएनए में ताकि उसके सेल्स और टिश्यूज वापस से रीगेन हो सकें और वो सेल्स और टिश्यूज अपने आप को रीजनरेट कर सकें। और मोमोशिकी बोरुतो से कहता है कि जो मैंने तुम्हें 18% डाटा दिया है उसकी वजह से अब मेरा रिजरेक्शन इम्पॉसिबल हो गया है। और बोरुतो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अब वो जीत गया है। इसके बाद मोमोशिकी बोरुतो से कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें वॉर्न करना चाहता हूँ। और सुनने के बाद बोरुतो हैरान रह जाता है और मोमोशिकी बोरुतो से कहता है भले ही मैंने वो 18% डाटा तुम्हारे डीएनए में रीराइट कर दिया था बट वो था तो एक्चुअली ओत्सुकी डाटा ही, इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर अब 100% ओत्सुकी डीएनए आ चुका है और जो ओत्सुकी डाटा एक्सट्रैक्शन था अब वो कंप्लीट हो चुका है और इसका मतलब ये है कि तुम अब एक प्योर जेन्युइन कंप्लीट ओत्सुकी बन चुके हो और इसका मतलब ये है कि तुम टेंटेल के सेक्रीफाइस के लिए अब कंप्लीटली रेडी हो। और कोड भी ये बहुत जल्दी ही समझ जाएगा और बोरुतो कहता है कि इसका मतलब मुझे कोई भी कभी भी एक मॉन्स्टर को खिला सकता है, ठीक है, इससे मेरी कोड को ढूंढने की मेहनत भी बच जाएगी। और मोमोशिकी बोरुतो से कहता है कि होशियार बनने की जरूरत नहीं है और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारा जिंदा होना ये इवेंट बार बार रिपीट नहीं होगा, अगर तुम नेक्स्ट टाइम मरे तो इस बार तुम्हारी डेथ पक्की है। और बोरुतो मोमोशिकी से पूछता है कि तुमने मुझसे एक बार कहा था कि ये ब्लू आईज मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेंगी, मैं एक बार मर चुका हूँ तो सब कुछ छीन लेगी वाली बात से तुम्हारा मतलब यही तो नहीं था। और मोमोशिकी बोरुतो की ये बात सुनने के बाद हंसने लगता है। मोमोशिकी बोरुतो से कहता है कि समय आने पे तुम्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा और फिर से हंसने लगता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कोड और आइडा बात कर रहे होते हैं और आइडा कोड से कहती है कि अमाडो कोनोहा में बिल्कुल प्रोटेक्टेड है और वहां पर तुम्हारा एक भी क्लॉ मार्क नहीं है तो तुम कोनोहा के अंदर एंट्री कैसे लोगे। कोड आइडा से कहता है कि तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने इसकी जुगाड़ पहले ही बिठा ली है। सो बस यार चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है और इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरी वीडियोज आएंगी जो कि मेरे माइंड में अभी अभी आई हैं। और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना और डिस्क्रिप्शन के अंदर सेकंड चैनल का लिंक है तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।